नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई रिसेंटली आपने चैनल पर महिंद्रा XUV 700 का एक्सीडेंट देखा होगा, जिसमें एक कंटेनर उसके ऊपर पलट गई थी और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, लेकिन अंदर बैठे लोग बिल्कुल सेफ थे। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता कंटेनर लोडेड था या खाली था, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोडेड ही था, क्योंकि इतनी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी का हाल खाली कंटेनर से नहीं होगा। हालांकि काफी लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो रहे थे और वो कंटेनर को खाली ही मान रहे थे, पर मिस्टर रोहन अरोड़ा ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इस वाले कंटेनर का सामान दूसरे कंटेनर में डाला जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त ये भरा हुआ था। खैर, बात करते हैं आज के इस वीडियो पर, जो कहीं ना कहीं रोड रेज से जुड़ा हुआ है। वैसे तो रोड रेज वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स आप पिछले कई दिनों से देखते आ रहे होंगे, जिसमें लोग फालतू का भौकाल बनाने के चक्कर में गलत हरकतें करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, और ये ज्यादातर दो तीन जगहों से ही सामने आता है। एक तो हो गया कर्नाटका और दूसरा हो गया यूपी वेस्ट और NCR। ये दो तीन जगह ऐसी हैं जहां से हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए लोगों की वीडियो सामने आती रहती है, और आज भी ऐसा ही कुछ मिस्टर अमन डोभाल जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह इंसिडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवाय टोल प्लाजा के आसपास किसी जगह का है। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे डैश कैम वाली कार को लेफ्ट साइड से बड़ी ही तेजी में एक इको स्पोर्ट ओवरटेक करते हुए निकलती है, और आगे जाकर भी इसका ड्राइवर अपने सामने वाले गाड़ियों के बीच जबरदस्ती घुस कर निकलने की कोशिश करता है। डस्टर को तो भाई ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे जो स्रॉस और मोबिलियो चल रही होती है उसके बीच निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती है। अब नॉर्मल आदमी चाहे जितने भी जल्दी में होगा, ऐसे सिचुएशन में हॉर्न बजाएगा और जगह मिलने पर ही आगे निकलेगा, लेकिन इन भाई लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप देख पा रहे होंगे SUV के को ड्राइवर सीट पर बैठे एक आदमी ने विंडो से लठ बाहर निकाला और दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर्स को इसे दिखाते हुए रुकने को बोला ताकि ये आगे निकल पाएं। और ये देखकर स्क्रॉस वाले भाई ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर ली और एक स्पोर्ट आगे निकल गई। इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जब आगे ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ियां स्लो हुई हैं, तो स्क्रॉस फिर से SUV के पास पहुंची और एक स्पोर्ट वाले भाई कट मारते हुए बिल्कुल इसके सामने आ गए। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी गलत तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं, और जो लठ बाहर निकाला गया है वो इस चीज को और भी कायदे से जस्टिफाई करता है, और ये चीजें पूरी तरह से नियम कानून के खिलाफ हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स आए दिन सड़कों पर देखे जाते हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होते होंगे, क्योंकि बहुत ही कम गाड़ियों में डैश कैम लगा हुआ होता है। खैर भाई, मेरा बस यही कहना है कि सड़क पर चलते समय ऐसी हरकतें मत करें, क्योंकि इससे भौकाल और इज्जत बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, उल्टा लोग आपको अनएजुकेटेड समझेंगे। साथ ही साथ आपकी भी जिम्मेदारी है दूसरों की तरह रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की। इसके अलावा सरकार को भी ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद पता नहीं क्यों इन चीजों पर नियम कानून को टाइट नहीं किया जा रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देर इज नो फियर अबाउट द लॉ एंड नो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ इन द मेजोरिटी पीपल्स माइंड, एंड दैट इज टू बी अ बिग प्रॉब्लम।